नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। आप देख रहे हैं स्टेज टाइम्स। भिवंडी महानगर पालिका में प्रभाग समिति एक की सभापति श्रीमती नमरा औरंगजेब अंसारी ने पदभार संभाला। इस अवसर पर प्रभाग समिति एक सभापति कार्यालय का उद्घाटन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शोएब गुड्डू के हाथों हुआ। इस अवसर पर भिवंडी शहर के सभी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक और भिवंडी शहर के कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता और सम्माननीय मान्यवर उपस्थित थे। आइए देखते हैं एसटीएस टाइम्स की एक रिपोर्ट। प्रभाग ही मेरी जो छोटी बहन नमरा औरंगजेब अंसारी जो सभापति बनी है, आज उन्होंने चार्ज लिया है। मैं उनको पूरी पार्टी की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ासकर जब से प्रभाग चेयरमैन बनी है, मेरे दोस्त मेरे भाई उनके चेहरे पे एक रौनक ही अलग आ गई, मुस्कुराहट अलग आ गई। औरंगजेब जो मैंने कभी इनको इतना एक्टिव देखा नहीं था, लेकिन माशाल्लाह कुछ महीनों से वो पार्टी के अंदर उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और साथ ही साथ में हमारे महबूब बबलू भाई जो हमेशा सामाजिक काम में वार्ड में चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, काम करते हैं, काम को देखते हुए वहाँ की जनता ने दोबारा दोनों को चुन के दिया है। आज प्रभाग एक जितने हमारे पांच प्रभाग में चार प्रभाग कांग्रेस को मिली है, चारों प्रभाग में हमने लेडीज़ को चांस दिया है। उसकी वजह यह है कि 50% हर जगह महिलाएं हैं और हम चाहते हैं महिलाएं आगे बढ़ें, महिलाएं आगे बढ़े। और प्रभाग अक्सर महानगर पालिका में प्रभाग में महिलाएं आती हैं, लेकिन जेंट्स होने की वजह से वो खुद अपनी बात रख नहीं पाती है। कम से कम महिला रहेगी, महिलाओं को आने के लिए आसानी हो जाएगी, काम कराने में आसानी हो जाएगी, महिलाएं जोड़ने का काम करें। मैं उम्मीद करता हूँ नमरा से और शबनम से कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को पार्टी में जोड़ने का काम करें। लोगों का जो भी महिलाओं का काम है वो अच्छे जल्द से जल्द उनका काम पूरा करके देवें। हमारी महिला तक रेहाना अंसारी बैठी हुई है, महिलाओं में काम उनका अच्छा ही लोग मैं समझता हूँ। पर शहर उनके काम को देखते ही रहते हैं। मैं रेहाना अंसारी भी बोलूँगा कि आज चार प्रभाग की जो चेयरमैन बने हैं उसमें तुम खुद जाके लोगों से कांटेक्ट करके महिलाओं को जो भी काम है करके लीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जो भी शहर का काम रहेगा ये लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। खासतौर पर अभी प्रभाग अधिकारी यहाँ पे जादव साहब बैठे हैं, इनसे मैं कहना चाहूँ जो भी अभी बारिश का पानी इतना पूरे शहर में भरा हुआ था, जो जो एरिया आप लोगों को आता है जहाँ पानी भरा था, जहाँ लोग परेशान थे, वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई करिए, क्योंकि बीमारी का बीमार होने का चांस ज़्यादा है लोगों को। तो आप दवाइयाँ जो भी हैं वो छिड़क के साफ़ सफाई अच्छे से करें, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और इस प्रभाग के अंदर जो भी कहाँ जहाँ पानी की समस्या है, रास्ते की समस्या है, गटर की समस्या है, सब लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्द दुरुस्त करें, ये मेरी आप लोग सबसे गुजारिश है। और यहाँ पर आए हुए सभी मेरे सीनियर लीडर भी हैं, यहाँ पर इमरान भाई हैं, अलीम भाई हैं, अरुण राउत साहब हैं, प्रशांत राज साहब हैं, सभी कॉरपोरेटर यहाँ बैठे हुए हैं। सब लोग मिलजुल के इस शहर के जो भी विकास का काम है वो करिए, क्योंकि जनता एक उम्मीद लगा के बैठी हुई है। और जनता ने हम लोगों को मैंडेट वोट दिया है, 47 सीट चुन के यहाँ पर दिया है। और जनता का विश्वास जितना ये हमारा काम है, और इंशाल्लाह सब लोग मिलजुल के काम करेंगे। और अभी कल सभा का नेता